डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि अब समय आ गया है कि बच्चा होने वाला है और हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए एडमिट होने के लिए। इसके बारे में आज हम यहाँ डिटेल में जानेंगे कि कैसे हमें पता पड़ता है कि अब समय आ गया है। देखिए, डॉक्टर्स आपको एक ड्यू डेट तो देकर रखते हैं कि यानी कि सपोजिटली डिलीवरी की तारीख आपको देखते रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको कहा गया कि 5 जुलाई आपकी तारीख है, ईडीडी है, ड्यू डेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा 5 जुलाई को ही होने वाला है। बच्चा उससे पहले भी हो सकता है और उससे बाद भी हो सकता है। 90% केसेस के अंदर, यानी कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर, बच्चा अपनी ड्यू डेट से पहले हो जाता है। कभी 2-4 दिन पहले, तो कभी 1 हफ्ता, तो कभी 2 हफ्ता, इवन 3 हफ्ते पहले भी डिलीवरी होना क्वाइट कॉमन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब यह समय आ गया है कि हमें हॉस्पिटल जाना है एडमिट होने के लिए, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है। उसको हम किस तरह से जानते हैं? हम 4 चीज़ों के द्वारा जानते हैं। लेबर पेंस, वाटर ब्रेक होना यानी कि लीकिंग हो जाना, विजाइना से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आना, या बच्चे के मूवमेंट्स बिल्कुल बंद हो जाना। ये चारों कंडीशंस में हमें हॉस्पिटल जाना रहता है। इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे रहता है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताऊंगी। मेरे पेशेंट्स भी मुझसे बहुत पूछते रहते हैं, तो ये अब से उनको ये वीडियो ही सुना दूंगी ताकि ये पूरा डिटेल जान सके एक्चुअली कब आना है उनको हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं लेबर पेंस के ऊपर। लेबर पेन यानी कि दर्द शुरू हो जाना। देखिए, कहना तो बहुत आसान है कि मैंने कह दिया कि भाई दर्द शुरू हो जाए तो हॉस्पिटल आ जाना, पर दर्द तो जब लास्ट महीना होता है, जब आखिर का महीना होता है, तो थोड़े बहुत दर्द हो ही रहे होते हैं महिला को। तो महिला हमेशा ही कन्फ्यूज रहती है कि ये एक्चुअल जाने का समय है या ऐसे ही दर्द हो रहे हैं, ठंडे दर्द हैं या एक्चुअल लेबर पेंस हैं। तो देखिए, फ़र्क क्या होता है ठंडे दर्द या फॉल्स लेबर पेंस और एक्चुअल दर्द यानी कि ट्रू लेबर पेंस के द्वारा बीच में। जो एक्चुअल लेबर पेन होगा यानी कि ट्रू लेबर पेन होगा, वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे आएगा और फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए रहेगा, जो ग्रेजुअल थोड़ा चेंज हुआ है। यानी कि दर्द कुछ इस प्रकार से होते हैं जो एक्चुअल लेबर पेन होते हैं, जैसे कि सपोजिटली पहले हर 10 मिनट में हो रहे हैं, आधे से 1 मिनट के लिए रह रहे हैं, धीरे 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 हर 10-10 मिनट में आ रहे हैं, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में रह रहे हैं, फिर धीरे धीरे यह दर्द बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, यानी कि ये दर्द जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि दर्द जो पहले 10-10 मिनट में आ रहे थे, अब ये 7-8 मिनट में आने शुरू हो गए। फिर कुछ समय निकलेगा, यानी कि 2-4 घंटे निकलेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, अब तो ये दर्द हर 5-5 मिनट में आने लग गए हैं। और आपको लगेगा पहले जहाँ ये दर्द 20-25 सेकंड रह रहे थे, अब ये 30-35 सेकंड्स रह रहे हैं, फिर ये बढ़ के 35-40 सेकंड्स रह रहे हैं। तो जब आपको लगे कि आपके दर्द 5-6 मिनट के बीच में आ रहे हैं, हर 5-6 मिनट के बीच में आ रहे हैं और 30 सेकंड से ज़्यादा रह रहे हैं, और ऐसा लगातार 1 घंटे से ऊपर आपके साथ चल रहा है, तो यानी कि यह एक ट्रू लेबर पेन है। जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं, वो टाइम के साथ उनकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है, यानी कि वो जैसे चल रहे होते हैं वैसे ही, थोड़े कम थोड़े ज़्यादा। ऐसा नहीं होता कि वो एक फिक्स पैटर्न पे आए। फिक्स पैटर्न पे अगर आ भी गए तो समय के साथ उनकी इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है। और यूजुअली जब आप रेस्ट करती हैं, जैसे कि अगर आप लेट गई हैं या थोड़ी देर सो गई हैं या वॉक करके आ गई हैं या आपने करवट बदल ली है, पोजीशन बदल ली है, तो जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो डिसअपीयर होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ट्रू लेबर पेन्स जो होते हैं, जो एक्चुअल दर्द होते हैं, वो ऐसा कुछ भी करने से नहीं जाते हैं, वो बने रहते हैं। आप भले ही जितना मर्जी रेस्ट कर लीजिए, भले ही सो जाइए, भले ही करवट ले लीजिए, सो तो आप पाएंगे ही नहीं वैसे यूजुअली, तो ऐसा कुछ भी करने से जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं, एक्चुअल लेबर पेन्स होते हैं, वो नहीं जाते हैं। जो ठंडे दर्द होते हैं, फॉल्स पेन्स जो होते हैं, वो यूजुअली पेट के आगे के हिस्से में रहते हैं। यानी कि महिला कंप्लेंट करती है कि पेट दर्द हो रहा है, पेट टाइट सा लग रहा है। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं, वो पेट के साथ में कमर में भी दर्द होता है, बल्कि दर्द ज़्यादा कमर में ही होता है, कमर से शुरू होता है और फिर आगे की तरफ जाता है। तो ट्रू लेबर पेन्स में मरीज का यूजुअल कहना होता है कि मैडम कमर फट रही है, ऐसा लगता है। तो ट्रू लेबर पेन्स में कमर दर्द यूजुअली होता है, जबकि फॉल्स लेबर पेन्स में ऐसा नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन्स के अंदर बहुत बार जो आपका वेजाइना से डिस्चार्ज है, वह ब्लड स्टेन भी होने लग जाता है। कंपलसरी नहीं, अर्ली स्टेजेस में नहीं होगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा लेबर आगे बढ़ेगा तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ब्लड स्टेन भी हो जाएगा, जबकि फॉल्स लेबर पे कभी भी वह ब्लड स्टेन नहीं होगा।
ट्रू लेबर पेन होता है वह यूजुअली इतना स्ट्रांग होता है कि उस टाइम पे आप जिस टाइम पे पेन हो रहा है, एक्चुअल पेन हो रहा है, उस टाइम पे आप कोई काम नहीं कर पाती हैं या चल फिर भी नहीं पाती हैं। यानी कि आप सपोजिटली वॉक कर रही हैं तो जैसे ही पेन अपीयर होगा आपको एक जगह पे रुक जाना पड़ेगा, जबकि फॉल्स लेबर पेन थोड़ा बेरेबल होता है, यानी कि आप चलना फिरना अपना काम कर पाती हैं यूजुअली। तो ये तो मेनली डिफरेंस होता है ट्रू और फॉल्स लेबर पेन में। इसमें एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहती हूँ जी, जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है या किसी भी टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि एकदम दर्द शुरू हो गया है और अभी की अभी इमीडिएटली महिला को हॉस्पिटल ले जाना है डिलीवरी के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी भी लेबर पेन ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी तेज लेबर पेन हो गया कि एकदम डिलीवरी हो रही है। लेबर पेन हमेशा एक ग्रेजुअल चीज़ होती है, यानी कि वो धीरे धीरे शुरू होते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, एकदम बच्चा पैदा हो रहा है दो मिनट के अंदर ऐसा नहीं होता, वो मूवीज़ में ही होता है। एक्चुअली इट टेक्स आवर्स, घंटों लगते हैं, 6 घंटे 8 घंटे, आप इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि समय कितना लगता है वो आप देख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2-4 मिनट में डिलीवरी होने वाली है और बहुत तेज एकदम पेन होगा, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू होता है और वो ग्रेजुअली बढ़ता है। तो ये तो हुआ पेन्स के बारे में, और ये पेन्स जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार महिलाएं क्या करती हैं, बहुत ठंडे दर्द में जब आ जाती हैं तो उनको परेशानी होती है कि बार बार डॉक्टर एग्जामिन करता है, फिर देख के बताता है बच्चेदानी का मुंह तो खुला नहीं है, उन्हें वापस घर जाना पड़ता है। एक और चीज़ जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो बहुत जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट बहुत ठंडे दर्द में या बहुत जल्दी एडमिट हो जाते हैं, बहुत अर्ली स्टेजेस में एडमिट हो जाते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे पेशेंट का भी पेशेंस गिव अप करने लग जाता है और डॉक्टर का भी, पेशेंट को भी लगता है इतनी देर हो गई है, महिला को लगता है इतने घंटे हो गए हैं अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा है, और वही चीज़ डॉक्टर के साथ भी होती है। तो बेटर है कि जब आपका एक्चुअल लेबर स्टार्ट हो, यानी कि ट्रू लेबर पेन्स हो, तभी आप हॉस्पिटल जाइए और तभी आप भर्ती होइए। तो ये तो बात हुई लेबर पेन की, अब आते हैं हम लीकिंग की, यानी कि वाटर ब्रेक हो जाना। वाटर ब्रेक 90% केसेस के अंदर लेबर पेन्स पहले शुरू होते हैं, 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि लीकिंग पहले शुरू हो जाती है, यानी कि वाटर ब्रेक पहले हो जाता है। फिर वही बात जो मैं फिर से बता रही हूँ कि जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है कि वाटर ब्रेक हो गया तो इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटल पहुँचना, ऐसा नहीं है। वाटर ब्रेक होने के बाद भी आप कुछ समय ले सकती हैं, 2-4 घंटे ले सकती हैं यूजुअली, अगर आपका ब्रीच या उल्टा बच्चा नहीं है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। वाटर ब्रेक होने के बाद कुछ समय लगता है दर्द शुरू होने में, डिलीवरी होने में। वाटर ब्रेक यानी कि लीकिंग हो गया है ये आपको कैसे पता चलेगा? वाटर ब्रेक में क्या होता है, एकदम विजेना से वाटर डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा तो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोई भी मेकआउट कर ले, पर इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, बहुत बार इस टाइम पे क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है, यूरिन का इनकॉन्टिनेंस, यानी कि यूरिन लीक हो जाना अपने आप से। ये जब 8वां-9वां महीना चलता है तो ये बहुत कॉमन होता है। तो महिला क्या करती है, वो यूरिन को और लीकिंग के बीच में कन्फ्यूज हो जाती है। तो इसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, जो लीकिंग होगी तो लीकिंग के कारण जो लिक्विड होगा उसमें कोई किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं होगी, लेकिन यूरिन लीक होने के कारण जो लिक्विड होगा यानी कि जो यूरिन होगा उसमें यूरिन की स्मेल होगी। तो एक ये चीज़ है जैसे कि आप मेकआउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो यूरिन की लीकिंग है, जैसे आप यूरिन पास कर लेंगे यानी कि आपका ब्लैडर खाली हो जाएगा, उसके बाद ये लीकिंग होना बंद हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये लीकिंग है, एक्चुअल वाटर ब्रेक हो गया है, तो ये रुकेगी ही नहीं, ये जैसे ही आप चलेंगे फिरेंगे ये बढ़ जाएगी, और फिर रेस्ट करेंगे तो थोड़ी देर आपको लगेगा रुक गई है, लेकिन जैसे ही आपने चलना फिरना वापस शुरू किया ये वापस खटखटखट चालू हो जाती है। यूजुअली अंडरगार्मेंट्स के आपके कपड़े भी इससे ख़राब हो जाते हैं। तो लीकिंग रुकती नहीं है लेकिन कंटिन्यूस रहती है। तो अगर आपकी लीकिंग शुरू हो गई है तो भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत रहती है, एडमिट होने की ज़रूरत रहती है। तीसरी कंडीशन होती है कि ब्लड स्टेन वेजाइनल डिस्चार्ज आने लग जाए, यानी कि वेजाइना से देखिए प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज तो आता ही है, बल्कि वही डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, परंतु अगर आपका डिस्चार्ज ब्लड स्टेन आ रहा है तो भी यानी कि डिलीवरी का समय नज़दीक है। क्योंकि क्या होता है, जब पेन शुरू होते हैं तो बच्चेदानी का मुंह खलना शुरू हो जाता है, सर्विक्स डायलेट होने लग जाता है, उस टाइम पे वहाँ पे जो म्यूकस प्लग होता है वह निकल जाता है, वो एक पिंकिश लाइट पिंकिश वाइट स्ट्रक्चर की तरह निकल जाता है, साथ में हल्का फुल्का अपडाउनिश डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज ब्लड स्टेन आ रहा है, तो भी आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए डिलीवरी के लिए। लेबर पेन्स के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि एक और चीज़ मेरे को ध्यान में आ गई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि लेबर पेन स्पेसिफिकली जब 5-5 मिनट में आने लग जाएँ और 30 सेकंड से ज़्यादा रहने लग जाएँ, 30 से लेके 1 मिनट के बीच में रह रहा है, यानी कि 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक रह रहे हैं और हर 5 मिनट में आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल
एडमिट होने के लिए चले जाना चाहिए। जो फॉल्स लेबर पेंस होते हैं उसमें सर्विक्स ओपन नहीं होता, लेकिन ये जो ट्रू लेबर पेंस होते हैं ये बच्चेदानी का मुंह को खोल देते हैं और डिलीवरी हो सकती है इसके साथ में और होती है, तो इसलिए इस टाइम पे आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत रहती है। जो एक लास्ट कंडीशन मैंने बताई कि आपका बच्चा अगर बिल्कुल नहीं घूम रहा है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, ताकि एक बार आपका चेकअप हो सके कि अंदर बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं, अंदर फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं चल रहा, अंदर किसी प्रकार की बच्चे को तकलीफ तो नहीं चल रही है, बच्चे की धड़कन ठीक है या नहीं है, ये जानना ज़रूरी होता है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा 2 घंटे में 10 बार नहीं मूव कर रहा, तो आप अपने गायनेक से जाके मिलिए, ताकि वो आपके बच्चे की हार्ट बीट चेक कर सकें, सोनोग्राफी या NST जो भी करके देखना है वह करके देखें। अगर सब कुछ सही हो तो ऐसी कंडीशन में आपको वापस भेजा जा सकता है, लेकिन अगर बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे आती है तो हो सकता है कि आपको तभी एडमिट कर लिया जाए डिलीवरी या सिजेरियन के लिए। आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाई होंगी कि एक्चुअल लेबर पेंस और फॉल्स लेबर पेंस में क्या डिफरेंस होता है और कब एक्चुअली आपको हॉस्पिटल जाना है डिलीवरी के लिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।